हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए छोटी छोटी वीडियो में कुछ न कुछ जानकारी लेकर आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के बारे में रहती है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी जानकारी की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, जिन्होंने किया हुआ है उनका दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू। तो आज की जो वीडियो है वो इंडक्शन कुकर के बारे में है कि जब हम इंडक्शन कुकर रिपेयर कर रहे हो तो इसकी ड्राइव वगैरह हम कैसे चेक करें, जो कि IGBT को जाती है ड्राइव, वो कैसे चेक करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटा सा नुकता बताने जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ हो सकता है आपके वो काम आए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बाद में अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना दोस्तों। और मेरे फेसबुक पेज को अगर आप लाइक करना चाहते हो तो फेसबुक पेज पर मिस्टर सेवक मैकेनिकल लिखकर सर्च करें और वहां पर मेरा नाम आएगा और उसे आप लाइक कर देना, तो वहां पर आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने इंडक्शन कुकर को ऊपर कर लिया है क्योंकि नहीं तो टाइम वेस्ट होता है वैसे। तो ये इसका जो पैनल है, ये इसका बोर्ड और ये कॉयल। दोस्तों, हम इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो IGBT है उस पर जो ड्राइव है वो ऐसे चेक नहीं होती। कारण क्या है दोस्तों, अगर इस पर लोहे की प्लेट हम रखेंगे तो ही ये ऑन होगा। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक छोटा सा हल निकाला है ऐसा, जिसमें मैं जैसे करता हूँ इसकी ड्राइव वगैरह चेक, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको भी दोस्तों आसानी रहे। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका जो ग्लास है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि आप कोई भी, ये दोस्तों मैंने एक लोहे का एक टुकड़ा लिया है जो कि आयरन का बना हुआ है, तो आपने क्या करना है कि इसे ऐसे रख लेना है मेज पर। अगर हो सके तो आप इससे मोटा मोटे मोटी गेज का ले सकते हो, मैं सिर्फ आपको एक बार दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि ये जो आपका इंडक्शन कुकर का ग्लास है इसको इस पर रख देना है, ठीक है। अब दोस्तों जो ये आपका है कॉयल, तो इसको भी हम इस पर जैसे जहां पर जो सेंसर लगा है ये छोटे वाला, तो जहां पर ये निशान आ जाएगा तो हम इसको ऐसे रख देंगे। और दोस्तों एक बात का आपने ख्याल रखना है कि बेशक आप किसी भी साइड में भी रख सकते हो इसे, जितना स्पेस ये होगा ना, जितना स्पेस ये देख लो आप, 12 mm कह सकते हो, आधी इंच के करीब है स्पेस उसका, ये ग्लास से अलग रहे। तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसमें कुछ स्पेसर वगैरह यहाँ पर रख देते। अब ये नीचे नहीं जाएगा क्योंकि ये गैप जरूरी है। तो दोस्तों उसके बाद ये वाला है जो सेंसर, इसे मैं उतार देता हूँ, ये मैं उतार देता हूँ क्योंकि इसके बगैर भी ये आपका जो इंडक्शन कुकर है वो चलेगा। उसके बाद दोस्तों हम इसको सप्लाई देते हैं, ऑन होने के बाद आप इसको जो कम कर दें, इसकी जो हीट है वो जितनी हो सके कम कर दें। ये मैंने 120 पर इसकी हीट कम कर दी है, मैंने इसकी जो हीट है 120 कर दी है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि IGBT पर जो ड्राइव है वो कैसे कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, एक जो ब्लैक वायर है वो IGBT की एक पिन होती है, जो कि एक तो गेट हो गया, एक बीच वाला कलेक्टर और एक एमिटर। तो जो साइड में है एमिटर पर मैं रखूंगा, और दूसरा है ये देखें अभी आपको, क्योंकि दोस्तों 120 इसकी जो हीट मैंने सिलेक्ट की है, तो ये कुछ टाइम बाद ये देखें मुझे ड्राइव आ गई, 5 वोल्ट आई थी। क्योंकि जितना ही हम इसकी वोल्टेज काम करेंगे ये रेगुलर नहीं चलता, बीच में कट होकर चलेगा, ये कट होकर चलेगा। मैं फिर दिखा देता हूँ आपको 120 पर। अगर हम इसकी जो दोस्तों हीट है वो ज़्यादा करेंगे तो ये जो ड्राइव है आपकी वो लगातार चलेगी। पर उसका दोस्तों क्या कारण है कि हम लगातार तो चला सकते हैं, लेकिन ये जो आपने प्लेट लगाई है ना नीचे वाली, तो ये ज्यादा हीट होकर आपका जो टेबल है उसे खराब कर सकती है। तो इसलिए हम इसको कम से कम हीट पर रखेंगे। ये देख लें, ऐसे इसकी जो ड्राइव है वो चेक की जा सकती है, ये देख।
क्योंकि 5 वोल्ट के करीब इसकी ड्राइव आ चाहिए। तो दोस्तों ऐसे आप इसकी जो ड्राइव है वो चेक कर सकते हैं।